अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा ये व्लॉग है, इसमें मैं आपको आज के एक पेशेंट की हिस्ट्री बताऊंगा और फिर उसकी जो मैंने उसको ट्रीटमेंट दी है और वो कितनी खूबसूरती से ठीक हुआ। वो बुज़ुर्ग थे, सफ़ेद दाढ़ी थी और बाड़े से आए हुए थे, तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब, पिछले 10 साल से आधी रात को मैं जाग जाता था 2-3 बजे के टाइम में, फिर सारी रात में करवटें बदलता रहता, मुझे नींद ना आती, सुबह उठता मेरा मूड ख़राब होता, मैं डिस्टर्ब हो जाता। मैंने दुनिया की मेडिसिन इस्तेमाल की। ये वो एक पेशेंट ही नहीं, बल्कि मैं 20 साल अपनी प्रैक्टिस के दौरान मैंने ऐसे लाखों मरीज़ों को देखा, हज़ारों लाखों मरीज़ों को देखा और माशाल्लाह वो मरीज़ ठीक हुए। वो मेडिसिन मैं इस प्रोग्राम के आखिर में बताऊँगा कि मैंने इसको कौन सी मेडिसिन लिखी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन सारे के सारे वो पेशेंट जिनको रात को जब वो सोते हैं और सोते ही उनको नींद आ जाती है, लेकिन 2-3 बजे के टाइम में उनकी आँख खुल जाती है और उसके बाद सुबह तक वो करवटें बदलते रहते हैं। और जब सुबह उठते हैं, ना उनका नाश्ता करने का मूड होता है और ना किसी के साथ बात करने का मूड होता है। वह इंतहाई डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि वो आधी रात को जागे होते हैं। तो जाहिरी बात है, एक शख्स आधी रात को जाग जाता है और फिर सारी रात ना उसके साथ कोई बात करने वाला होता है, ना कोई देखने वाला होता है, ना कोई सुनने वाला होता है। वो बेचारा अपनी करवटें बदलता रहा होता है, वो बेचैन होता है, उसको बेचैनी होती है, नींद उसको आ नहीं रही होती है। बाज़ बुज़ुर्ग औरतें वो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जो उठकर इबादत करना शुरू कर देते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाज़ बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं, बाज़ नौजवान ऐसे होते हैं, बाज़ औरतें ऐसी होती हैं, बाज़ माएँ ऐसी होती हैं कि उन बेचारी को नींद नहीं आती है। वो सारा दिन भी काम करते रहते हैं, थके हुए होते हैं, लेकिन आधी रात को जब उनकी आँख खुल जाती है और फिर उसके बाद उनको नींद नहीं आती है, तो उनको एक बेचैनी रहती है। तो ऐसे मरीज़ जिनको रात को 1-2 बजे के टाइम में, 3 बजे के टाइम में आँख खुल जाए और उसके बाद जब वो सुबह उठें तो वो डिस्टर्ब हों, वो ज़हनी तौर पर रिलैक्स ना हो, उनका मूड हो वो ऑफ़ हो और वो सारा दिन उनका बोर गुजरे, तो ऐसे मरीज़ों के लिए नेक्सोमिका टॉप की मेडिसन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस मेडिसन के अंदर प्रूविंग है और मैं पिछले 20 साल से बहुत सारे मरीज़ों के ऊपर अप्लाई कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हज़ारों लाखों की तादाद में मरीज़ ठीक हो चुके हैं। नेक्सोमिका मुझे डेली लिखने को मिलती है, मैदे के लिए बेहतरीन मेडिसन है, एलोपैथिक मेडिसन की एंटीडोट है। आप बहुत सारी मेडिसन खा खा कर आपका मैदा ख़राब हो गया है, आपको आधी रात को नींद नहीं आती है, तो ये नेक्सोमिका 200 में लें और रात को सहते सोते हुए 5 कतरे 1 घूंट पानी में लेकर पी लें। इंशाल्लाह लजीज़ अल्लाह ताला के फजल से आप इस जो अज़ियत में मुब्तला हैं, इस कर्ब में जो मुब्तला हैं, तो अल्लाह ताला के फजल से नेक्सोमिका 200 में रात को सोते वक्त 5 कतरे थोड़े से पानी में मिलाकर इसको पी लें। अल्लाह के फजल से ये आप डेली 1 महीने तक अगर इसको लें और आप ठीक हो जाएँ तो सही, ये मेडिसिन को बंद कर दें। अगर आप ठीक नहीं होते हैं तो फिर हर 2 दिन बाद, हर 3 दिन बाद इसको ले लिया करें। आपकी ये मेडिसिन मुस्तकिल रहेगी नहीं कि आप हमेशा इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जैसे ही आपका जहन रिलैक्स हो जाएगा, आपके अगर मैदे में कोई मसला है उसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस हो रही है तो वो भी ठीक हो जाएगा, आपकी नींद भी ठीक हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से जो हमारे बुज़ुर्ग, जो हमारी माएँ, जो हमारी बहनें, जो हमारी बेटियां, जिनकी आंख रात को, आधी रात को जिनकी आंख खुल जाती है और उसके बाद उनको नींद नहीं आती है, तो वो नेक्सोमिका 200 में लेकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें क्योंकि इस तरह के मरीज़ पूरी दुनिया में बेताशा मरीज़ पाया जाता है। इतने मरीज़ हैं, इतने मरीज़ हैं, इतने मरीज़ हैं इस मर्ज़ के कि वो नशे की गोलियां खाते रहते हैं, तो वो नशे की गोलियां से उनकी जान छूट जाएगी और मुस्तकिल उनको ट्रीटमेंट मिल जाएगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।